This section is about the swap contracts so we can go for hedging using swap contracts swap contracts so when you are seeing that there could be uh, multiple cash flows in the future involving in a contract so you are seeing that when we are having a certain investment in a business or a contract and that yields multiple कैश फ्लोज दे आर नाट वन टाइम पेमेंट्स डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर एक लंबे टाइम पीरियड के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम के ऊपर आपको कुछ पेमेंट्स आने वाले हैं और वहाँ इंटरेस्ट रेट के वजह के फ्लक्चुएशनस की वजह से या फॉरन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन की वजह से देर कुड बी सम अप्स एंड डाउन तो यू माइट गो फॉर हैजिंग यू विल थिंक ऑफ डूइंग गोइंग फॉर हैजिंग यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट और फॉरन एक्सचेंज रेट और एनी सच फ्ल प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकते हैं तो यू वॉन्ट टू हैज योर सेल्फ तो अगर मल्टीपल कैश फ्लोज आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो दैन देर इज़ एन ऑप्शन विच कैन बी ट्राइड विच कैन बी विच द इन्वेस्टर्स माइड गो फॉर और उसको हम कहते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सीरीज ऑफ कैश फ्लोज इन्वॉल्व हैं स्पेसिफाइड इंटरवल्स के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ आप फॉवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं मगर चूँकि कैश फ्लो एक दफ़ा नहीं है मल्टीपल कैश फ्लोज इन्वॉल्व है लिहाजा हम यहाँ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली होती क्या हैं इन विच देर आर स्वैपिंग ऑफ द ऑफ़ द पेमेंट्स दैट इज दैट इज इन्वॉल्व एंड देर हैज़ टू बी अ सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट विच डिसाइडेड टू बी पेड इन डिफरेंट इंटरवल्स और इस पर्टिकुलर पेमेंट को प्रिंसिपल पेमेंट को हम नोशनल अमाउंट भी बोलते हैं सो नोशनल अमाउंट के लिए को के मद को मद्दनजर रख के आप अपने जो सब्सिक्वेंट पेमेंट्स हैं उनको आप डिफाइन करते हैं और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में भी फॉवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू की तरह से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह से इमिजिएट पेमेंट दोनों पार्टीज ने नहीं देने होते हैं जो भी दो पार्टीज अग्रीमेंट करने जा रहे हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की एन अदर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज के लिए हो सकता है सो इट कैन बी डन फॉर कमोडिटीज लाइक व्हीट या इट कैन बी डन फॉर द प्रिशियस मेटल जैसे सोने चांदी के लोग कारोबार करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसमें आप फॉरन एक्सचेंज को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो स्वैप कॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ों की पाबंदी नहीं है कि सिर्फ यही ही चीज़ है जो कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं सो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स बट जनरली जो दो तरह के स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं दे इन्वॉल्व द इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड द करेंसी स्वैप्स सो करेंसी स्वैप्स में मैंने अभी आपको बोला जैसे एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन आपको यू आर फोर्सिंग दैट देर वुड भी अलॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द फॉर एक्सचेंज रेट्स इन फ्यूचर सो यू माइट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट रिस्क एंड देर फॉर यू गो फॉर द करेंसी स्वैप्स सो स्वैप्स जो हैं वो एक्सचेंज ट्रेडिड इंस्ट्रोमेंट्स नहीं हैं जैसे कि हमने बोला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेड होगा स्वैप्स जो हैं वो एक्सचेंज रेट के एक्सचेंज मार्केट के थ्रू नहीं ट्रेड uh, होती दीज आर डन ओवर द काउंटर जिसको हम बोलते हैं ये कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं कस्टमाइज्ड कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं जो कि फर्म्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफ़ाइन करते हैं इनको और फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इनकी सेल और परचेज होती है सो द डिफरेंट फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स या मार्केट की डिमांड के मुताबिक इन इस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं उसको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक बनाते हैं और वो उनको रेगुलेट करते हैं नाउ देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एसोसिएटेड विद स्वैप कॉन्ट्रैक्ट चूँकि ये फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवेलप कर रहे हैं इसको स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा स्वैप्स लिहाजा यहाँ पे देर इज़ अ हाई प्रॉबिलिटी के जो काउंटर पार्टीज जो भी पार्टीज एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होंगे वो वो डिफॉल्ट ना कर जाए तो यहाँ ये एक तरह का रिस्क इन्वॉल्व है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में चूँकि ये स्टैंडर्डाइज ऑफिशल एक्सचेंज रेट के एक्सचेंज मार्केट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं इसकी सेल परचेज होती लिहाजा देर इज अ पॉसिबिलिटी के देर मे बी इन्वॉल्विंग पार्टीज डिफॉल्टिंग इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन सो दैट इज़ वन बैड साइड और बैड थिंग एसोसिएटेड विद स्वैप्स बट स्वैप्स जो हैं वो फर्म्स डिफाइन करती हैं और इसमें आप कोई भी तरह के गुड्स को uh, ले सकते हैं इसकी ट्रेडिंग करने के लिए और यहाँ पे आपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा जिसमें आपके in, कुछ इक्वल इंटरवल के ऊपर जो आपने रीपेमेंट्स करने हैं उनका रेट डिफाइन कर देते हैं फ़िक्स कर देते हैं लॉक कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होती हैं एंड दैट इज़ अनदर वे थ्रू विच यू कैन डू हैजिंग